राज्यसभा के इस ऐतिहासिक सत्र के दौरान राज्यसभा सचिवालय ने विशेष तैयारियां की थी। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि ये सत्र उत्पादकता के साथ साथ कई और उपलब्धियों वाला रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इस 250वें सेशन को कमेमोरेट करते हुए एक कमेमोरेटिव क्वाइन और एक कमेमोरेटिव स्टैंप रिलीज किया गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे सचिवालय के लिए। इसके अलावा एक हमने कमेमोरेटिव वॉल्यूम इस अवसर पर प्रकाशित किया, जिसको हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट हमारे सभापति जी ने उसको रिलीज करके और माननीय राष्ट्रपति जी को उसकी प्रथम प्रति उन्होंने भेंट की। राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने बताया कि राज्यसभा सचिवालय ने 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था की। ऐसा पहली बार हुआ कि सभी भाषाओं में अनुवाद हो सका, इसके लिए राज्यसभा सचिवालय की ओर से खास कोशिशें की गई। सभी भाषाओं में अब 100% साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था कर ली है और इस व्यवस्था के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई कि सांथाली भाषा में एक हमारी सांसद ने, महिला सांसद ने पहली बार संथाली भाषा बोली गई संसद में और उसका जो ट्रांसलेशन था, वो किया गया, वो भी एक संथाली के ही एक स्टूडेंट ने किया।